आज का प्रोग्राम पुरजमान कोई कदीम तरीन मॉल है, शॉपिंग मॉल यहाँ दुबई के सेंटर में वाक़ है। वहाँ यानी घूमने के लिए जा रहे हैं। देखें ये किस तरह का मॉल है। ये सबसे कदीम मॉल कहलाता है। इस तरह यानी अब यानी हम अपनी रेजिडेंस से यानी रवाना हो चुके हैं जो जबल अली डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरह यानी ये देखें दुबई के यानी खूबसूरत रोड और सड़कें देखें, किस तरह यानी गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, और यानी आप साफ़ सुथरा रोड और ट्रैफिक भी देखें किस तरह की है। इस तरह यानी अब हम यानी बुर्जमान देखें, ये सामने नाम लिखा हुआ है बड़े लफ्ज़ों में, जहाँ पर बच्चे देखें यानी बड़े बड़े लफ्ज़ हैं उस पर यानी खेल रहे हैं लफ्ज़ों के साथ। तो इस तरह का ये मॉल है, इसके अंदर यानी काफ़ी यानी चीज़ें देखने के काबिल हैं, एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। इस तरह देखें ये बच्चे किस तरह खेल रहे हैं इन लफ्ज़ों के अंदर, आर पार हो रहे हैं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ऊपर कभी नीचे, खेल कूद में मसरूफ़ है। तो इस तरह की एंटरटेनमेंट बच्चों को और भी दिलचस्प लगती है, जिससे बच्चे यानी और भी यानी खुश हो जाते हैं, एक्साइटमेंट हो जाते हैं। तो इस तरह का मॉल आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी ये बुर्जमान शॉपिंग मॉल जो यानी दुबई में कदीम तरीन मॉलों में से एक है। अब उसका विज़िट आपको इस वीडियो के ज़रिए हम दिखा रहे हैं। तो किस तरह यानी बच्चे यानी इस मॉल में खेलते हैं, और शॉपिंग मॉल भी बना हुआ है इसके अंदर, यानी दुकान शॉप्स होटल वगैरह फास्ट फूड हर चीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा यानी काफ़ी यानी शॉप्स भी हैं, हर किस्म के शॉप्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसमें देखें ये मॉल बना हुआ है, तो किस तरह देखें ये एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने एक यानी ये पानी का यानी देखें फाउंटेन बनाया हुआ है। तो बच्चे देखें ये किस तरह खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इससे लुत्फ़ानंदोज़ भी हो रहे हैं। तो इस तरह यानी ये देखें बच्चों में यानी कितने यानी पुरजोश यानी पाई जाती है जज्बात इनके, इनके जज्बात हैं किस तरह यानी जोश में हैं। तो वो यानी इस तरह यानी खेल कूद में एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के लुत्फ़ानंदोज़ माहौल से। इस तरह यानी ये देखें छोटे छोटे इन्होंने यानी गमले भी रखे हुए हैं, ये पानी के देखें यानी फाउंटेन किस तरह यानी इसमें चल रहे हैं, ये इस मॉल में दिखाया गया है। ये काफ़ी मॉल ये बच्चा खुश आमदीद कह रहा है और इस्तकबाल कह रहा है कि हम यहाँ यानी खूब इंजॉय कर रहे हैं और घूम रहे हैं। और देखें दरख्त भी इन्होंने लगाए हुए हैं, एक किस्म का यानी पार्क का यानी व्यू पेश कर रहा है इस तरह का ये मॉल जो है। और सामने एक बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है, वो देखें इस तरह यानी ये नीचे सीढ़ी जाती है, इसके ज़रिए आप नीचे भी जा सकते हैं। इस तरह यानी ये दरख्त भी लगे हुए हैं, और ये सीढ़ियाँ देखें किस तरह खूबसूरत अंदाज में बनाई गई हैं। इस तरह यानी ऊपर सामने स्क्रीन भी है, जिसमें यानी कुछ ना कुछ यानी वीडियो चलती रहती है। इस तरह का मॉल जो है ये आपको यानी यहाँ पर यानी देखने के लिए मिलेगा। अब देखें ये किस तरह का मंजर पेश कर रहा है। इस तरह का ये बुर्जमान नाम का मॉल है जो यानी
काफ़ी ये मशहूर मॉल है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ भी आते हैं इस तरह, यानी घूमते फिरते, यानी यहाँ पर जो बनाए हुए यानी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और साथ में शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। खाने पीने का मूड होता है तो यहाँ पर यानी छोटे छोटे रेस्टोरेंट, फास्ट फूड की शॉप्स वगैरह भी लगी होती हैं, इस तरह यानी रिफ़्रेशमेंट भी कर सकते हैं। अब हमने प्रोग्राम बनाया यानी कुछ खाने पीने का, इसलिए दोपहर का वक्त है। अब हमने कहा यानी तकरीबन 2:30 बज गए हैं, तो इसलिए यानी हमने कहा कि कोई पिज़्ज़ा वगैरह खा लें। तो ये यानी बुर्जमान मॉल के नज़दीक ही एक यानी बड़ा यानी ये देखें पिज़्ज़ा हट है, जहाँ पर यानी हमने प्रोग्राम किया कुछ खाने के लिए। ये देखें हमने बनाए हैं यानी ये पिज़्ज़ा है और इनके साथ यानी ये स्वरूप हरी राम माली है और इसके साथ दूसरा यानी अजीत सहदेव माली है। ये एक सिविल इंजीनियर है, दूसरा कंप्यूटर इंजीनियर है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। इसने एक लजीज किस्म का दिया है हमें लंच, जो हम यानी खाने के लिए यहाँ पर पिज़्ज़ा हट पर आए हैं, जिसको जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं। अब देखें सामने से यानी देखें किस तरह का मंजर है शहर का, और ये सामने ये रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा हट, जिसमें हम यानी खूब यानी लजीज जो खाना है, जिसमें यानी ये पिज़्ज़ा बनाया गया है, चिकन भी है, वेजिटेरियन भी है, जो हम खा कर यानी बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इस तरह खूब इंजॉय कर रहे हैं इस लंच से। और बाहर हमारी ये गाड़ी खड़ी है, जो यानी खाने के बाद आप वापस इसमें सवार होकर यानी अगला पॉइंट जाएंगे देखने के लिए, इस दुबई सेंटर के अंदर ही है, जो इस तरह यानी ये पिज़्ज़ा हट ऊपर लिखा हुआ बड़े लफ्ज़ों में। अब हम गाड़ी से रेस्टोरेंट से बाहर आ गए हैं और बच्चा कह रहा है कि हमें यानी गाड़ी में बिठा हुआ हम आगे यानी दूसरा एक पार्क है पब्लिक, उसे घूमने के लिए जाएंगे। तो इस तरह यानी इस पिज़्ज़ा हट से हमने बहुत यानी लजीज किस्म का खाना खाया, बेहतरीन था, इस तरह यानी खूब इंजॉय किया लंच से। अब यानी गाड़ी में बैठ रहे हैं, इस तरह यानी सवार होकर यानी अगले यानी जबील पार्क का कोई नाम है वहाँ जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ये देखें गाड़ी का, शहर का मंजर देखें अंदर से व्यू किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है शहर का, इस तरह यानी ये अजीत सहदेव कुमार के साथ अब हम सवार हो गए हैं गाड़ी में और आगे की यानी तरफ जा रहे हैं शहर की तरफ, वो पार्क की तरफ। जबील नाम का पार्क पब्लिक पार्क है जो मशहूर है, जहाँ पर यानी दुबई फ्रेम भी है, वो भी एक इस अट्रैक्टिव पॉइंट है विजिटर्स के लिए, वहाँ भी यानी कि टूरिस्ट आते हैं, जो अगली वीडियो में आपको इसका मंजर दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से हम यानी पिज़्ज़ा हट से अब निकल चुके हैं और आगे यानी उस पब्लिक पार्क की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जाके आपको यानी वो पब्लिक पार्क भी इस वीडियो के ज़रिए दिखाएँगे, और उसके बाद यानी फ्रेम जो है बहुत यानी खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है, जो एक बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। फ़िलहाल आप इस शहर का नज़ारा करें तो किस तरह यानी खूबसूरत शहर अंदाज में बनाया हुआ है, और बिल्डिंग से वगैरह जो है बिल्कुल आपको हर बिल्डिंग नई नज़र आएगी, कोई भी यानी जबून हालत में बिल्डिंग आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, इस तरह यानी ये खुले खुले रोड और साफ़ सुथरे यानी सड़कें, किस तरह का मंजर आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखें ये पार्क का मंजर है, जिस पार्क में हम जा रहे हैं जबील नाम की पब्लिक पार्क है, सामने वो देखें ये फ्रेम बना हुआ है, ये बहुत अच्छा पब्लिक विजिटिंग पॉइंट है, यहाँ पर कई सयाह यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब इस पार्क में हम जैसे कि पहुँच चुके हैं, इस तरह यानी इसका बाकी का जो हिस्सा है जो अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, जो दिलचस्प और बड़ा दिल फ्रेब होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा और पुरकशिश भी होगा और बहुत दिलचस्प और दिलकश भी होगा, खूब आप इस उस वीडियो से भी और इस वीडियो से भी इंजॉय करेंगे। इस तरह यानी मदन माली ट्रैवल द वर्ल्ड के चैनल को बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और यानी आइकॉन बेल को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि यानी उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके इस टूरिस्ट की विजिटिंग पॉइंट के बारे में।